वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब जावा के अंदर हमने लिंक लिस्ट को पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। अब हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को स्क्रैच से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरव्यूज के टाइम या ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के टाइम कैसे इंप्लीमेंट करना है, और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि एक्चुअली इसका यूज कैसे होता है। अब स्टैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसको एग्जाम टाइम में भी पूछ लेते हैं, अगर डीएसए हम कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, या फिर इंटर्नशिप प्लेसमेंट के टाइम पे भी काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है। और हमारी जो मेमोरी में इंटरनली रिकर्जन इंप्लीमेंट होता है उसमें भी इम्प्लिसिट स्टैक का यूज होता है, इसीलिए स्टैक के बारे में हमें पता होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे एरेज पे बेस्ड या फिर लिंक लिस्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्टैक्स को यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, उसके अलावा उनका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्सपोनेंशियल जा रहा होता है। तो इसको थोड़ा सा हम बेसिक से समझेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर हम मेजर तीन ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं, जिनमें से पहला है पुश ऑपरेशन, दूसरा है पॉप ऑपरेशन और तीसरा है हमारा पीक ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अगर अपने स्टैक को हम विजुअलाइज करें तो स्टैक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक के ऊपर एक हम चीज़ों को रख रहे होते हैं। तो एक के ऊपर एक जब भी हमें चीज़ें कहीं रखी हुई दिख जाएं उसको हम इंग्लिश में स्टैक बोला करते हैं, और उसका अगर हमें कोड में इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो उसको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे ये पत्थर लाइंड अप है ना एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही बहुत सारे हमारा डेटा जो है एक के ऊपर एक स्टोर्ड होगा। अब ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी जो चीज़ आखिर में आई वो सबसे पहले बाहर जा रही होगी। अब ये पत्थर्स का जो स्टैक है इसमें सबसे पहले कौन सा पत्थर हम उठा पाएंगे? ऑब्वियसली ये सबसे ऊपर वाला पत्थर हम उठा पाएंगे, बाकी के सारे वैसे ही रहेंगे। ये हमने हटा दिया तो उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पत्थर हम उठा पाएंगे। तो आखिर में जो पत्थर रखा गया है उसी को सबसे पहले उठाया जा सकता है, इसीलिए इसको लीफो स्ट्रक्चर यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब हमेशा जब भी हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स डालते हैं ना, पहले एक एलिमेंट आता है, उसके ऊपर दूसरा एलिमेंट आता है, उसके ऊपर तीसरा एलिमेंट आता है। तो स्टैक्स के अंदर जो सबसे पहले ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो होता है हमारा पुश ऑपरेशन। पुश यानी किसी चीज को पुश करके स्टैक के ऊपर डाल देना। पुश ऑपरेशन हमेशा एंड ऑफ द स्टैक या टॉप ऑफ द स्टैक यानी स्टैक के सबसे ऊपर किया जाता है, और इसमें जो टाइम लगता है वो होता है O(1). सेकेंड ऑपरेशन जो होता है वो होता है हमारा पॉप ऑपरेशन। पॉप यानी स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है ये एलिमेंट, इसको स्टैक के टॉप से निकाल लेना, हटा देना। तीसरा ऑपरेशन इसको जावा के अंदर कहते हैं पीक ऑपरेशन। C++ बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे होंगे तो इसको टॉप ऑपरेशन भी कहा जाता है। टॉप या पीक का मतलब है स्टैक के सबसे टॉप पर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को निकालना, यानी इस टॉप पर जो भी डेटा हमारा स्टोर होगा उसकी हम वैल्यू निकाल लें तो उसको कहेंगे अपना पीक ऑपरेशन। पीक यानी झांकना। तो जो सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के शब्द होते हैं वो किसी ना किसी तरह इंग्लिश के लिटरल मीनिंग से अटैच ज़रूर होते हैं। अब कायदे से स्टैक की अगर अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो तो उसके अंदर इन तीनों ऑपरेशंस को O(1) यानी एक सिंगल ऑपरेशन जितना टाइम लगना चाहिए। कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन भी होती हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा वायबल नहीं हो पाती, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो उनके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। अब स्टैक शब्द सुनने में नया नया लग रहा होगा, लेकिन स्टैक्स को हमने कई जगह अपनी रियल लाइफ के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में देखा होगा। जैसे अगर हमारे घर पे हम कभी प्लेट्स धो रहे होते हैं, कभी डिनर टाइम में प्लेट साफ़ कर रहे होते हैं, तो कैसे रखा करते हैं प्लेट्स को? जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में तो कभी कभी साइड बाय साइड भी रख देते हैं, लेकिन अगर आप एक जनरल जो कार्टून्स आते हैं उसमें अमेरिकन रेस्टोरेंट्स का एग्जाम्पल लें तो उसमें प्लेट धो धो के ना एक के ऊपर एक के ऊपर रखी जाती है। कैसे रखी जाती है? पहले एक प्लेट रखी जाएगी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी जाएगी, उसके ऊपर तीसरी प्लेट रखी जाएगी, उसके ऊपर चौथी प्लेट फिर पाँचवीं प्लेट, और ये प्लेट्स हमेशा इस टॉप से रखी जाती हैं। तो अगर अब प्लेट उठानी भी है तो सबसे पहले टॉप वाली प्लेट उठाई जाएगी। चेक करना है ऊपर से कि कौन सी प्लेट है सबसे ऊपर तो भी ये टॉप वाली प्लेट टारगेट होगी, और नई प्लेट ऐड करनी है तो भी इस टॉप वाली के ऊपर उसको ऐड किया जाएगा। इसीलिए ये वाला जो टॉप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैक का। अब आप ध्यान से देख के समझ ही गए होंगे कि ये जो प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हैं ये सारी स्टैक को फॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हम पढ़ाई किया करते थे 11th-12th में, कॉलेज का तो पता नहीं, 11th-12th में हमारे पास बुक्स हुआ करती थी। तो मान लीजिए सबसे पहले नीचे हमने रख दिया अपनी मैथ की बुक, उसके ऊपर हमने रख दी है अपनी फिज़िक्स की बुक, उसके ऊपर हमने रख दी है अपनी केमिस्ट्री की बुक, उसके ऊपर जो दुखद आत्माएं थोड़ी हुआ करती थी, उन्होंने बायो भी साथ में ले ली होती थी, तो उनकी बायो की बुक नहीं तो किसी किसी की सीएस की बुक भी आ जाती थी। तो इस तरीके से एक के ऊपर जब हम बुक्स रखते हैं तो सबसे ऊपर जो बुक हमें दिख रही होगी वो कौन से वाली बुक होगी, ये होगी हमारी कंप्यूटर साइंस की बुक। तो ऊपर से सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बुक को हम देख पाएंगे, बाकी बुक्स को नहीं देख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा टॉप। अगर बुक रखनी है तो अब इस बुक के ऊपर रखी जाएगी, अगर बुक को उठाना है तो भी इस बुक को उठाया जाएगा, और देख सकते हैं तो भी इसी बुक को देख सकते हैं। तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल हमारे स्टैक का। तो इस तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें चीज़ें एक के ऊपर रखी होती हैं और वो बन जाते हैं हमारे स्टैक्स। आप अगर घर को भी कंस्ट्रक्ट करने की बात करेंगे तो ईंटें कैसे लगती हैं, ईंटें एक के ऊपर एक लगती हैं, वो भी एक तरीके से स्टैक होता है अगर सीधी की सीधी ईंटें लग रही हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने कोड के अंदर हम स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। स्टैक को इंप्लीमेंट करने के हम तीन तरीके ढूंढ सकते हैं। इसमें से सबसे पहला तरीका होगा हमारे स्टैक को एरे की फॉर्म में इंप्लीमेंट करें। एरे में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एरे हमें सबसे पहले पता है कि फिक्स्ड साइज का होता है, तो अगर एरे फिक्स साइज का है तो हमारा स्टैक भी फिक्स साइज का है। तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स साइज का एरे ले लेंगे, उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए इसका साइज है n, तो हमारे स्टैक में भी n साइज तक हम एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आता है 1, 1 को यहाँ डाल दिया, 2 आता है 2 को यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पर एरे के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा उसको टॉप की तरह ट्रीट करेंगे, उसको अपने स्टैक का सबसे ऊपर वाले हिस्से की तरह ट्रीट करेंगे। यानी इसको कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर लेंगे कि ये हमारा स्टैक हो गया है फिक्स्ड साइज का, जिसका साइज है n, और यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट स्टोर्ड हैं। अब अगला जो एलिमेंट स्टोर होगा वो स्टोर होगा इस पोजिशन पर। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि स्टैक के अंदर तो बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं, और एरे अगर फिक्स साइज का है तो एक बार ये जो साइज है यहाँ तक हमारा कंप्लीटली भर गया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद या तो यूजर को रोकना पड़ेगा कि और एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते। उसको रोकने के लिए सबसे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या स्टैक फुल हो गया। स्टैक फुल होने की कंडीशन में क्या करेंगे कि एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या n के इक्वल हो गए हैं, अगर n के इक्वल हो गए हैं तो फिर वहां पर हमारा स्टैक भर गया है, और उसके बाद यूजर को रोकना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक नया का नया एरे लाएं इससे बड़े साइज का, और उसके अंदर एलिमेंट्स कॉपी करें, फिर उसके लास्ट में ऐड करवाएं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस होता है, मतलब थकाने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि फिक्स साइज का एरे है तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ों के सॉल्यूशन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहे होंगे। इसीलिए एरे वाली जो अप्रोच है इसको हम यूजुअली यूज़ नहीं किया करते, इसको हमें प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करना है। दूसरी अप्रोच की बात करें तो ये होगी हमारी एरे लिस्ट वाली अप्रोच। एरे लिस्ट हमारी वेरिएबल साइज की होती है, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा फायदा होगा कि कितने भी एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं। इवन जो तीसरी अप्रोच है लिंक लिस्ट वाली, उसमें भी लिंक लिस्ट वेरिएबल साइज की होती है, तो उसमें भी हमें बड़ा फायदा होगा। तो दोनों से मतलब यहाँ पर हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुश, पॉप और पीक से हमारा काम चल जाएगा। अब एरे लिस्ट के अंदर क्या हो रहा होगा, एरे लिस्ट के अंदर सबसे पहले एक एरे लिस्ट क्रिएट होगी, उसके अंदर कुछ कुछ हमारे बॉक्सेस होंगे। अब वही सेम चीज़ की शुरू में एलिमेंट्स को हमने डाल दिया, उसके बाद जो भी पहली खाली स्पेस है वो बन जाएगा हमारा टॉप, वहाँ पर एलिमेंट्स को डाल देंगे। ये जैसे ही भरेगी पूरी स्पेस तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी एरे लिस्ट एक्सटेंड होकर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, ये भरेगी तो उसके बाद एक्सटेंड होकर डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से वेरिएबल साइज की वजह से बढ़ता ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे होंगे स्टैक को, सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना पहला एलिमेंट। पहले एलिमेंट 1 को हमने क्रिएट कर लिया, ये बन गया हमारा हेड। अब दूसरा एलिमेंट जब क्रिएट करना होगा ना तो दूसरे एलिमेंट को यानी नए वाले एलिमेंट को हमेशा हेड बनाएंगे, तो इसको हेड हटाकर इसको हेड बना देंगे। तीसरा जब क्रिएट करना होगा ना तो इसको हटाकर इसको हेड बना देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैक बन गया है। स्टैक कैसे बना, लिंक लिस्ट के हेड को ही हम सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं, बाकी किसी एलिमेंट को, बाकी किसी नोड को ट्रैक नहीं कर सकते। ये हमने लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में सीखा होगा। और स्टैक के रूल्स कहते हैं कि पुश, पॉप और हमारा जो पीक होता है, इन तीनों का कायदे से अच्छे इंप्लीमेंटेशन में टाइम होना चाहिए, big O of 1। तो अगर हेड को ही हमने लास्ट एलिमेंट यानी टॉप बना दिया तो इसको पॉप करने में टाइम लगेगा O of 1, इसको पुश करने में टाइम लगेगा O of 1, और इसको पीक करने में भी टाइम लगेगा हमें O of 1। तो हम एक अच्छी इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। बाकी अगर मान लीजिए लास्ट एलिमेंट को हम हेड बना लेते हैं तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारी वो टाइम वाली जो चीज़ है वो नहीं बैठेगी अच्छे से। तो इसीलिए हम एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट की हेल्प से एक स्टैक को ठीक ठाक तरीके से अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली एक स्टैक को हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एक स्टैक क्लास बना लेंगे। पब्लिक क्लास नहीं, इसको स्टैटिक क्लास का नाम देंगे जिसको हम स्टैक कहेंगे। और इससे पहले बना लेते हैं एक नोड क्लास। नोड क्लास क्या करेगी, हमारी जो लिंक लिस्ट होगी उसका हर एक सिंगल नोड को हम नोड क्लास की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नोड के अंदर सबसे पहले तो अपना डेटा हम लिख लेंगे, इंट डेटा करके। उसके अलावा नोड, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमेशा नोड का एक नेक्स्ट होता है जो अगले वाले नोड की तरफ पॉइंट करता है। और बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आ रहा होगा हमारे पास डेटा। तो इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, साथ के साथ अपने नेक्स्ट को इनिशियलाइज करेंगे नल के साथ। तो कुछ इस तरीके से हमारे नोड्स बन जाएंगे लिंक लिस्ट के लिए। अब स्टैक के अंदर लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो एक हेड होगा और ये एक पब्लिक नोड होगा। तो पब्लिक नोड हेड हमारी लिंक लिस्ट का हेड होगा और स्टैक का टॉप होगा। अब सबसे पहला फंक्शन जिसको हमें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है वो है हमारा पुश फंक्शन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश। पुश के अंदर हमारे पास कोई डेटा आएगा और इस डेटा को हमें लिंक लिस्ट के हेड पर पुश करना है। तो कैसे पुश करेंगे, अगर हमारा जो हेड है वो नल के इक्वल है यानी हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। पहले तो एक इससे पहले फंक्शन लिख लेते हैं ये चेक करने के लिए कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या या फिर हमारा स्टैक एम्प्टी है क्या। स्टैक एम्प्टी के लिए फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज एम्प्टी। और ये इज एम्प्टी फंक्शन क्या देगा, अगर हमारा हेड नल के इक्वल है तो रिटर्न करेगा ट्रू और नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है। ये ट्रू के इक्वल है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अगर इज एम्प्टी से हमें जो भी रिटर्न होकर आता है उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डेटा के लिए एक नई नोड क्रिएट कर लेते हैं लिंक लिस्ट की। तो नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ डेटा। अब अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो उस केस में हमें नए नोड को ही अपना हेड बना लेना है। तो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड और यहां से हम कर जाएंगे सिंपली रिटर्न। इसे एक स्टैटिक नोड बना लेते हैं। स्टैटिक नोड यानी ये सिंगल एक ही हेड है और ये इसी हेड की बात हो रही है हर एक सिंगल फंक्शन में। अगर इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो एरर आ रहा होगा हमारे कोड में। लेकिन अगर हमारा स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है यानी उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं तो फिर क्या करेंगे, नए नोड का जो नेक्स्ट होगा ये कुछ नहीं है, ये बस इंसर्शन एट हेड है जिसकी हम बात ऑलरेडी लिंक लिस्ट में कर चुके हैं। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो हेड बन जाएगा और हेड बनेगा हमारा न्यू नोड। तो इस तरीके से हमने पुश को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इसको हल्का सा विजुअलाइज कर लेते हैं। हल्का सा विजुअलाइज इस तरीके से करेंगे कि ऑलरेडी मान लीजिए हमारे पास एक खाली लिंक लिस्ट थी। तो इस न्यू नोड वाली लाइन की हेल्प से क्या होगा, एक नया नोड बनेगा जिसके अंदर डेटा आएगा और यही डेटा बन जाएगा हमारा हेड। लेकिन एक दूसरा केस जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और अब हमें एक नया एलिमेंट उसके अंदर इनपुट करना है। तो हमारी एक नई नोड बनेगी 4 करके और नए नोड का जो नेक्स्ट होगा वो पुराने हेड को पॉइंट करेगा और अब नया नोड हमारा नया हेड बन जाएगा हमारी लिंक लिस्ट का। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्टैक फॉर्म हो रहा है। स्टैक को ऐसे हम विजुअलाइज कर रहे होंगे। पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा हमारा 4 जो कि है हमारे टॉप पर। अब बात करते हैं अपने पॉप फंक्शन की। पॉप फंक्शन में क्या होगा, हमारे लिए टॉप एलिमेंट डिलीट हो रहा होगा। तो पब्लिक स्टैटिक, अब पॉप फंक्शन यूजुअली क्या करता है जावा के अंदर, पॉप फंक्शन एलिमेंट को डिलीट भी कर देता है और उस डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न भी कर देता है। तो हम भी सेम चीज करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इंट पॉप। सबसे पहले टॉप एलिमेंट निकालेंगे तो इंट टॉप इज इक्वल टू हमारे हेड का डेटा। अब इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देना यानी हेड के नेक्स्ट नोड को हेड बना देना। मतलब अगर इस लिंक लिस्ट के अंदर हमें इस 4 को डिलीट करना है यानी अपने टॉप को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से हटा देंगे और इस नेक्स्ट नोड को बना देंगे हमारा हेड। तो कुछ इसी तरीके का हमें काम करना है. हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट और यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे अपने टॉप को. अब ऐसा केस जिसके अंदर हमारा पूरा स्टैक ही खाली है उस केस में तो हम किसी की चीज़ को पॉप ही नहीं कर सकते. तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारा स्टैक खाली है यानी इज एम्प्टी तो यहाँ से रिटर्न कर देते हैं -1. -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नंबर्स कि हमारा स्टैक खाली है उसके अंदर कुछ है नहीं पॉप करने के लिए. तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को पॉप कर दिया. अब पीक करना तो और भी आसान है. पब्लिक स्टैटिक इंट पीक. पीक में क्या करना है, जिस एलिमेंट को यहाँ पर जिस हेड को टॉप को हमने यहाँ पर रिटर्न किया है उसी को हमें वापस रिटर्न करना है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर एम्प्टी होगा तो कुछ नहीं रिटर्न कर पाएंगे तो -1 रिटर्न कर देंगे. बाकी केसेस में क्या करेंगे, अपने टॉप को सबसे पहले निकालेंगे और इसी को हम कर देंगे रिटर्न. तो ये हमने इज एम्प्टी कर लिया है, पुश कर लिया है, पॉप कर लिया है और पीक को इंप्लीमेंट कर लिया है. अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को एक्चुअली बनाएंगे. तो स्टैक s इज इक्वल टू न्यू स्टैक. अब s के अंदर सबसे पहले पुश करेंगे कुछ एलिमेंट्स को. s.push2, s.push3, s.push4. अब एक लूप चला लेते हैं जब तक हमारा s एम्प्टी नहीं होता यानी खाली नहीं होता तब तक अपने सारे के सारे s के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे. कैसे प्रिंट करवाएंगे, सबसे पहले तो प्रिंट करवाएंगे s.peak, उसके बाद कर देंगे s.pop. तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं. रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट आया 4, 3, 2, 1. इस आउटपुट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हमने एक्चुअली किया क्या. अपने कोड के अंदर हमने क्या किया, कोड के अंदर सबसे पहले एक स्टैक को बनाया. स्टैक के अंदर सबसे पहले हमने पुश किया 1 को तो 1 यहाँ पर आया होगा, फिर पुश किया 2 को तो 2 यहाँ पर आया होगा, फिर पुश किया 3 को एंड फिर पुश किया हमने 4 को. और जब तक हमारा पूरा का पूरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक एक एक करके इनको पॉप किया. तो पॉप करने से पहले इनको पीक करा लिया. सबसे पहले पीक कराया होगा 4 को तो 4 हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट हो गया. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने 4 को पॉप करवा दिया. उसके बाद हमने दोबारा पीक करवाया. अब की बार पीक करवाया हमने 3 को तो 3 हमारे लिए बाद में प्रिंट हुआ. उसके बाद 3 को भी पॉप करा दिया. उसके बाद हमने पीक करवाया 2 को तो 2 हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट हो गया एंड उसके बाद हमने 2 को भी पॉप करवा दिया. उसके बाद हमने पीक करवाया 1 को पीक करवाने के बाद यहाँ पर प्रिंट कर दिया और फिर 1 को भी स्टैक से पॉप कर दिया. और जैसे ही स्टैक खाली हो गया यानी एम्प्टी हो गया तब तक हमारे पास चारों के चारों हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके थे इसी ऑर्डर में 4, 3, 2, 1. अब ये सीखा हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का लिंक लिस्ट की फॉर्म में. अब इसी सेम इम्प्लीमेंटेशन को हम सीख रहे होंगे एरे लिस्ट की फॉर्म में कि एरे लिस्ट की फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक को. तो इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है हमारे पास. अपना ऊपर वाला कोड जो है उसको हम थोड़ा सा उड़ा देते हैं. अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी दोबारा एक क्लास क्रिएट करते हैं और इस क्लास को हम नाम देंगे स्टैक. इस क्लास के अंदर एक एरे लिस्ट को हम डिफाइन करेंगे शुरुआत में. ये एरे लिस्ट होगी हमारी इंटीजर्स की और इसको नाम दे देते हैं हम लिस्ट और इसको शुरुआत में ही हम कर देते हैं इनिशियलाइज. तो लिस्ट एरे लिस्ट हमारे पास है और इसी के हेल्प से हम पूरा का पूरा स्टैक बना देंगे. कैसे बना देंगे, सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं इज एम्प्टी. पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज एम्प्टी. अब अगर हमारी लिस्ट की जो साइज है यानी लिस्ट का जो साइज है वो 0 के इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, हमारा स्टैक एम्प्टी है नहीं तो नॉन एम्प्टी है. तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे लिस्ट डॉट साइज इज इक्वल टू 0 को. सबसे पहला फंक्शन जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा हमारा पुश फंक्शन. पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश. पुश के अंदर आ रहा होगा एक डेटा. अब क्या करेंगे, इस डेटा को पुश करने के लिए क्या करना है, सिंपली अपने एरे लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर देना है. ऐड करने से ऑटोमेटिकली ये लास्ट इंडेक्स पर ऐड हो जाएगा. तो लिस्ट डॉट ऐड हमारा डेटा. ये लिस्ट डॉट ऐड करने के बाद हमारा डेटा जो है वो अपनी स्टैक के अंदर पुश हो गया है। अब करवाना हो अगर इसको पॉप, तो पॉप करने के लिए क्या करें, पब्लिक स्टैटिक इंट पॉप। अब पॉप करने के लिए हमें अपनी एरे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा टॉप है। एरे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, गेट फंक्शन से। तो हमें क्या करना है, सिंपली इंट टॉप इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन से इंडेक्स का डेटा हमें गेट करना है। कौन से इंडेक्स का डेटा गेट करना है, लिस्ट के लास्ट इंडेक्स का डेटा। लिस्ट का लास्ट इंडेक्स कैसे निकालते हैं, लिस्ट डॉट साइज, जो भी टोटल लेंथ होगी हमारी लिस्ट की, -1। यानी लेंथ तो हमारी 10 होती है लेकिन उसमें लास्ट इंडेक्स 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंडेक्स डाल दिया लिस्ट डॉट साइज -1 और लिस्ट डॉट गेट करके उस इंडेक्स पर स्टोर्ड एलिमेंट हमने निकाल लिया, वो है हमारा टॉप। अब क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर वही इंडेक्स जिससे हमने अभी टॉप को निकाला था वो डाल देते हैं और रिटर्न कर देंगे अपना टॉप। तो यहाँ पर दोबारा से अपनी लिस्ट जो है उसको स्टैटिक बना लेते हैं। टॉप को हमने रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा केस आता है जिसमें हमारी लिस्ट एम्प्टी है, यानी इज एम्प्टी इज ट्रू, उस केस में रिटर्न कर देंगे हम सिंपली -1 को। अब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पीक फंक्शन को। पीक फंक्शन पॉप से हमेशा आसान होता है इम्प्लीमेंट करना। तो पब्लिक स्टैटिक इंट पीक। पीक के अंदर सिंपली सबसे पहले हम इस वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अगर एम्प्टी होगा तो क्या करेंगे, और ये जो हमारी वैल्यू है यानी लास्ट इंडेक्स पर स्टोर्ड जो वैल्यू है इसी को हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं रिटर्न। तो कुछ इस तरीके से हमारा पीक भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेन फंक्शन के अंदर हम वही स्टैक इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे। स्टैक बना लिया है हमने, पुश कर दिया है 1 2 3 4। फिर जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम पीक कर रहे हैं और पॉप कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो इसको सेव कर देते हैं, इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद इसे हम बना देते हैं एक स्टैटिक क्लास ताकि इसको डायरेक्टली हम मेन फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाएँ। तो स्टैटिक का यूजेज हमने ऊप्स की क्लास के अंदर सीखा हुआ है। ऑल्सो इस एरे लिस्ट को यूज़ करने के लिए हमें ऊपर इम्पोर्ट करनी पड़ेगी अपनी यूटिलिटी पैकेजेस java.util.all। इसको सेव करके रन करें अगर, तो आउटपुट हमारे पास आएगा 4 3 2 1। अब एरे लिस्ट के अंदर भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है स्टैक में, तो लॉजिक वही है। स्टैक की फॉर्म में यानी एरे लिस्ट में क्या हुआ, इस बार एरे लिस्ट के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा कि हमारी एरे लिस्ट होगी, उसके अंदर यहाँ पर आया होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। सबसे पहले अगर हमने पॉप किया होगा तो यहाँ से पॉप हुआ होगा, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर हमारा टॉप बन गया ये। यहाँ से पॉप हुआ तो 3 प्रिंट हुआ, फिर हमारा टॉप बन गया ये। यहाँ से पॉप हुआ तो 2 प्रिंट हुआ, फिर हमारा टॉप बन गया ये। यहाँ से भी पॉप हुआ तो हमारे पास प्रिंट हुआ 1। तो इस तरीके से हमारा सेम आउटपुट आया है हमारे एरे लिस्ट का और हमारे लिंक्ड लिस्ट का। अब एक्चुअल कॉलेज के अंदर जब प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में बैठ रहे होंगे और ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में जब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो ना एरे लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना है ना लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना है। हमें इम्प्लीमेंट करना है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से, क्योंकि उसमें 4 लाइनों में इस पूरे के पूरे कोड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखने वाले हैं कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से स्टैक को इम्प्लीमेंट करना कितना आसान हो जाता है। और ये पूरा का पूरा लंबा खासा सारे हम फंक्शंस को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करें, ये वाला कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ता। तो उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कोई अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस स्टैक इम्प्लीमेंटेशन को हम हटा देते हैं, या इवन सिर्फ इस लाइन को हम हटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम स्टैक ऑफ इंटीजर्स। तो स्टैक ऑफ इंटीजर्स बनाने वाले, इसको नाम देंगे एस इज इक्वल टू न्यू स्टैक। बस सिर्फ इतना काम करना है। यहाँ पर पुश भी सेम रहेगा, यहाँ पर इज एम्प्टी भी सेम रहेगा, पीक भी सेम रहेगा, पॉप भी सेम रहेगा, क्योंकि ये चारों ऑपरेशंस हमारे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट हमें लिखनी है क्योंकि इस यूटिलिटी पैकेज के अंदर जावा में ऑलरेडी स्टैक एग्जिस्ट करता है। तो इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास सेम आउटपुट आ गया है 4 3 2 1, कोई एरर नहीं आई। तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर और हमारी प्लेसमेंट के अंदर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से। तो ये हम लाइन लिख रहे होंगे, लिंक लिस्ट को भी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क से करना है और स्टैक को भी, आगे क्यूज, ट्रीज, सबको। और कोशिश करनी है आपसे कि दिमाग लगाएं हम एल्गोरिदम्स के अंदर और इम्प्लीमेंट करें एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज को यूज करके। अब एक छोटा सा सिंपल सा हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टैक की हेल्प से। सवाल हमें दिया हुआ है कि पुश एट द बॉटम ऑफ स्टैक। तो सवाल कुछ ऐसा है कि हमें एक स्टैक दिया होगा, स्टैक के अंदर होंगे कुछ कुछ एलिमेंट्स 1 2 3, हमें एक नया एलिमेंट दिया जाएगा 4, और हमें बोला जाएगा कि इस 4 को इस टॉप पर पुश नहीं करना, इसको पुश करना है इस स्टैक के बॉटम पर, ताकि अगर ये हमारा कुछ इनपुट हो तो हमारा आउटपुट कैसा दिखाई दे। हमारे आउटपुट में सबसे नीचे तो 4 आ रहा हो क्योंकि वो बॉटम पे पुश हुआ है, उसके ऊपर बाकी का स्टैक वैसे का वैसा हो। तो कुछ इस तरीके का हमारा आउटपुट आए। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे रिकर्जन का। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर रिकर्जन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। रिकर्जन की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि रिकर्जन में अपना एक इम्प्लिसिट स्टैक होता है। स्टैक जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं कोडिंग के अंदर। एक होता है हमारा इम्प्लिसिट स्टैक। इम्प्लिसिट स्टैक जैसे रिकर्जन के स्टैक की हमने बात की थी रिकर्जन में, कि एक स्टैक बना करता है, उसके अंदर हमारे सारे के सारे डेटा स्टोर होते हैं फंक्शन वाइज। तो वो होता है हमारा इम्प्लिसिट स्टैक जो हम नहीं बनाते, जो कोड बनाता है, जो मेमोरी बनाती है। एक होते हैं हमारे एक्सप्लिसिट स्टैक। एक्सप्लिसिट स्टैक्स वो स्टैक्स हैं जिनको हम बना के अभी क्लास के अंदर खेल रहे हैं। ये भी जो स्टैक की हम बात कर रहे हैं ये है हमारा एक्सप्लिसिट स्टैक। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा रिकर्जन के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन और स्टैक्स का काफ़ी पुराना जो है वो रिश्ता चलते आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस स्टैक से एक एक करके एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीधा तरीका हमें ये नज़र आ रहा है कि डायरेक्टली किसी स्टैक के बॉटम तक तो हम नहीं पहुंच सकते, तो धीरे धीरे क्या करें, उसके ऊपर वाले टॉप एलिमेंट्स को हटाते चले जाएं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हमने 3 को हटा दिया, फिर 2 को हटा दिया, फिर 1 को हटा दिया, तो इस स्टैक को हम एक एम्प्टी स्टैक कह सकते हैं। और एम्प्टी स्टैक का जो टॉप होता है वो खाली होता है। जैसे ही एम्प्टी स्टैक हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस नए एलिमेंट को पुश कर देंगे। जैसे ही इस नए एलिमेंट को पुश कर दिया उसके बाद वापस उन एलिमेंट्स को डाल दो। तो प्रोसेस क्या रहेगा, एलिमेंट्स को निकाल देंगे सारे के सारे, उसके बाद नए एलिमेंट को बॉटम ऑफ द स्टैक में पुश कर देंगे, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में पुश कर देंगे। और इस सारे काम को हम रिकर्जन की फॉर्म में करने वाले हैं। रिकर्जन के अंदर अपना एक इम्प्लिसिट स्टैक होता है। इम्प्लिसिट स्टैक में कुछ ऑपरेशंस हम ऊपर जाते जाते करते हैं, कुछ ऑपरेशंस हम नीचे आते आते करते हैं। ऊपर जाते जाते एलिमेंट्स को हटाएंगे यानी रिमूव करेंगे, नीचे आते आते एलिमेंट्स को वापस डालेंगे यानी दोबारा से हम करेंगे पुश। तो ऊपर जाते जाते सबसे पहले लेवल पर हम 3 को हटा देंगे, उससे ऊपर वाले लेवल पर 2 को हटा देंगे, उससे ऊपर वाले लेवल पर 1 को हटा देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल स्टैक जो होगा हमारा बेस केस। बेस केस के अंदर हम पुश कर देंगे 4 को हमने पुश कर दिया, उसके बाद वापस एक लेवल नीचे आएंगे तो यहाँ पर पुश कर देंगे इसी एलिमेंट को यानी 1 को पुश कर दिया। एक लेवल नीचे आए 2 को पुश कर दिया, एक लेवल नीचे आए 3 को पुश कर दिया। इस तरीके से हमारे पास फाइनल जो स्टैक होगा उसके अंदर सबसे पहले पुश हुआ होगा हमारा 4, उसके बाद पुश हुआ होगा हमारा 1, उसके बाद पुश हुआ होगा हमारा 2, उसके बाद पुश हुआ होगा हमारा 3। और ये देखें तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होना चाहिए। तो इस तरीके से रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एक नया फंक्शन बना लेते हैं। इस नए फंक्शन को नाम देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश एट बॉटम। पुश एट बॉटम के अंदर हमें कोई डेटा दिया है जिसको हमें बॉटम में पुश करना है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर वही वाली रखने वाले हैं हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की, जो सबसे सिंपल है। उसमें बस एक छोटा सा हमने फंक्शन ऐड कर दिया पुश एट बॉटम वाला। तो 1 2 3 को तो हम नॉर्मली पुश कर देंगे और यहाँ पर कॉल कर देंगे क्या, पुश एट बॉटम फंक्शन। यहाँ पर डेटा पास कर देंगे, साथ के साथ पास करेंगे अपना स्टैक। तो यहाँ पर भी स्टैक को लिख लेते हैं, स्टैक ऑफ इंटीजर्स हमारे पास आएगा S करके। अब सबसे पहला काम हमारे लिए क्या है, सबसे पहला काम है अपने टॉप को रिमूव कर लेना। तो इंट टॉप इज इक्वल टू s.pop, उसको पॉप कर लिया, रिमूव कर लिया। अब दोबारा से रिकर्जन कॉल कर देंगे, तो पुश एट बॉटम को दोबारा कॉल किया, डेटा पास कर दिया, स्टैक पास कर दिया। अब अगले लेवल पर जो हमने स्टैक पास किया है इसके अंदर हमारा टॉप एलिमेंट नहीं है, उसको हमने ऑलरेडी हटा दिया। अब क्या करेंगे, एक बार रिकर्जन सारा काम कर आगे हमारे पास वापस स्टैक दे देगी तो उसमें दोबारा अपने एलिमेंट को पुश कर देंगे यानी s.push दोबारा से अपना टॉप एलिमेंट। और यहाँ पर बेस केस ये होगा, अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा स्टैक खाली हो जाता है, यानी s इज एम्प्टी, s डॉट इज एम्प्टी, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम s के अंदर पुश कर देंगे अपने डेटा को और यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। तो यहाँ पर बेस केस यानी जब स्टैक पूरा खाली हो जाए तो वहाँ पर डेटा को पुश करना है, बाकी सारे केसेस में टॉप को हटाएं, रिकर्जन कॉल करें और दोबारा से टॉप को पुश कर दें। तो इस तरीके से हमारा पुश एट बॉटम कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो गया है। और हमारा काम क्या रह गया है, काम कुछ नहीं बचा है। मेन फंक्शन के अंदर ऑलरेडी 1 2 3 पुश कर रहे हैं, फिर बॉटम में डेटा को पुश कर रहे हैं। डेटा क्या है, शुरुआत में डेटा है हमारा एलिमेंट 4। उसके बाद स्टैक को देख लेंगे कि स्टैक में एलिमेंट्स क्या क्या पॉप होकर आते हैं। तो इसको रन करते हैं। रन करके हमारे पास आउटपुट आया 3 2 1 4। और अपने स्टैक के आउटपुट को भी हम देखें तो स्टैक के आउटपुट में क्या हो रहा था। अगर हमारे एग्जिस्टिंग स्टैक के अंदर से, इस आउटपुट स्टैक के अंदर से सबसे पहले पॉप करें तो क्या आएगा 3, उसके बाद पॉप करें तो आएगा 2, उसके बाद पॉप करें तो आएगा 1, उसके बाद पॉप करें तो आएगा 4। तो हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही है, जिसके अंदर स्टैक में उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स निकल रहे हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब एक और आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं स्टैक पर। इस क्वेश्चन का नाम है रिवर्स अ स्टैक। रिवर्स अ स्टैक यानी अगर हमें इनपुट में ये स्टैक दिया है 1 2 3, तो हमारे आउटपुट में हमें ये स्टैक मिलना चाहिए 3 2 1। तो सारे के सारे स्टैक के एलिमेंट्स को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं। रिवर्स कैसे करना चाह रहे हैं, या तो रिवर्स करने का ये तरीका होगा कि एक एक करके इन सब को पॉप करेंगे और किसी नए स्टैक में स्टोर करवा लेंगे। यहाँ पर 3 स्टोर करवा लिया, यहाँ पर 2 स्टोर करवा लिया, यहाँ पर 1 स्टोर करवा लिया। ये एक तरीका होगा इसको इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पर हम एक पैरेलल अप्रोच फॉलो करेंगे। और अप्रोच हमारी कैसी रहेगी, अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इन तीनों को रिवर्स कराने से आसान है कि हम 2 को रिवर्स कराएं, यानी सिर्फ 1 और 2 को रिवर्स कराएं। अब इन दोनों को रिवर्स कराने से भी आसान है कि हम सिर्फ 1 को रिवर्स करवा दें। 1 को रिवर्स करवाना है यानी कुछ रिवर्सल ज़रूरी नहीं है। या इसको भी रिवर्स कराने से आसान है खाली स्टैक को रिवर्स कराना, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में हम ब्रेक डाउन करते जाएंगे। और इस तरीके से जब स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी इस स्टैक को हमें रिवर्स करवाना होगा, तो इस स्टैक को रिवर्स करा के तो सेम हमें दोबारा से एक नल स्टैक मिलेगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि इसमें वापस 1 को कैसे इंसर्ट करें। तो इस बार 1 को इंसर्ट करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक में, नहीं बॉटम ऑफ द स्टैक में। बॉटम ऑफ द स्टैक में 1 को इंसर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम आएगी कि अब 2 को कैसे वापस इंसर्ट करें, यानी इस 2 को री इंसर्ट करने के लिए हम इसको टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश नहीं करेंगे, इसको पुश करेंगे बॉटम ऑफ द स्टैक पे। यानी 2 को बॉटम पे पुश किया, फिर 1 पे आए ऊपर। अब प्रॉब्लम आएगी 3 को पुश करने की। 3 को कैसे पुश करेंगे, 3 को टॉप पे पुश नहीं करेंगे, 3 को बॉटम पे पुश करेंगे। 3 को बॉटम पे पुश करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। और इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो पूरा को पूरा रिवर्स हो गया है। और ये बॉटम पे पुश करने वाली प्रॉब्लम तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या हमें क्या करना है, बस रिकर्जन की हेल्प से लिख लेना है। रिकर्जन क्या करेगी, एलिमेंट को निकालेगी, जो बाकी का स्टैक बच गया उसको रिवर्स कर देगी। उसके बाद अपने एलिमेंट को वापस पुश तो करेगी, पर जैसे पहले हमने टॉप पे पुश कर दिया था, इस बार बॉटम पे पुश करेंगे। इसका कोड लिखकर इसको बेटर तरीके से समझते हैं। कोड में क्या होगा, ये पुश एट द बॉटम फंक्शन हम रख लेते हैं। अपने मेन फंक्शन के अंदर स्टैक के सारे ऑपरेशंस भी हम रख लेते हैं। यहाँ से पुश एट द बॉटम वाली स्टेटमेंट बस हटा देते हैं। और यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं नया, जिसको नाम देंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स। रिवर्स फंक्शन में हम अपने स्टैक को ले लेते हैं, स्टैक को कॉपी पेस्ट कर लिया। और अब अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, टॉप को निकाल लेना। तो टॉप को हम निकाल लेंगे s डॉट पॉप। दूसरा काम है छोटा जो स्टैक बन गया अब उसको रिवर्स करना, तो उसके लिए भी रिवर्स कॉल कर देंगे। रिवर्स में पास कर देंगे अपना स्टैक s। अब काम है टॉप को वापस पुश करना स्टैक के अंदर, लेकिन इस बार टॉप पे पुश नहीं करेंगे, बॉटम पे पुश करेंगे। तो पुश एट बॉटम, इसमें पास कर देंगे अपने डेटा की जगह अपने टॉप को और उसके बाद अपने स्टैक को। और बेस केस इस फंक्शन के लिए क्या होगा, बेस केस वो होगा जिसमें हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। तो इफ s इज एम्प्टी, तो उस केस में कुछ रिवर्स नहीं करना, उस केस में डायरेक्टली हम कर जाएंगे रिटर्न। तो कुछ इस तरीके से हमारा रिवर्स फंक्शन कंप्लीट हो गया है। स्टैक के अंदर से टॉप एलिमेंट निकालते जाएंगे, छोटे स्टैक को रिवर्स करके रिवर्स स्टैक ले लेंगे और फिर अपने एलिमेंट को वापस पुश करेंगे स्टैक में बॉटम की तरफ। बॉटम की तरफ पुश करने का फंक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अपने मेन फंक्शन के अंदर 1 2 3 को पुश करवाया और उसके बाद कॉल कर देते हैं रिवर्स को। तो रिवर्स में एस पास कर दिया। अब देखते हैं स्टैक से क्या एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। इसको सेव करके रन करते हैं। रन करके आउटपुट हमारे पास आया 1 2 3। पहले अगर नोटिस करते यानी बिना रिवर्सल के क्या होता और रिवर्सल के बाद क्या हुआ, इन दोनों को हल्का सा एनालाइज करते हैं। बिना रिवर्सल के क्या होता, हमने स्टैक में पुश किया था पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को। इन्हीं को एक साथ पॉप करवाते तो पहले प्रिंट होता 3, उसके बाद प्रिंट होता 2, उसके बाद प्रिंट होता हमारा 1। ये हमारा आउटपुट होता। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, 3 2 1 हमारे पास था, उसके बाद एक नया स्टैक बना होगा जिसमें आया होगा पहले 3, फिर 2, फिर 1। और इस बार हमने पॉप करवाया तो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ और ये हमारा फाइनल आउटपुट निकल कर आया, विच इज सेम एज द आउटपुट जो हमने अपने लैपटॉप में देखा है। तो ये दो कुछ हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं स्टैक्स के ऊपर, स्टैक की इंप्लीमेंटेशन सीख ली है, एक्चुअल एग्जाम में कैसे स्टैक को इंप्लीमेंट कर लिया उसकी बात करनी है। अब हमें खुद से थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें नोट्स मिल रहे होंगे, साथ के साथ कुछ एक्सरसाइजेज मिल रही होंगी जिनको हम घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।